नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव नारायणखेड़ा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 100 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। 2022 का कॉटन का खराबा और जो जल भराव का जो बीमा क्लेम है वो सरकार नहीं दे रही है। पिछले 10 दिन से किसान है वो जल घर की टंकी पर चढ़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, बड़े किसान नेता। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे किसानों के बीच पहुँचे हैं, पिछले 100 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार है इस मामले को टेक्निकल कमेटी में डाल दिया। 2018 में भी ऐसा हुआ था। सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत है जो यहाँ की खबरें बहुत अच्छी तरह से दे रहा है। और यहाँ पे 100 दिन से धरना चल रहा है और 10 दिन से लोग टंकी में चढ़े बैठे हैं, आप देख रहे हो। और 13 लोग जो है यहाँ अनशन पे बैठे हैं, आज उनको शायद 9 दिन बैठे को हो गए हैं। तो अति गंभीर मामला है लेकिन सरकार इसको सीरियस नहीं ले रही है। और हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये जो कारपोरेट की और सरकार की जो मिलीभगत है, इनका जो गठजोड़ है और इनके गठजोड़ से जो आम जनमानस है वो इनका भोजन बन के रह गए हैं, तो ये उनका बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये अपना हक मांग रहे हैं, इनको इनका हक दे दो, और अगर इनका हक नहीं देते तो इस लड़ाई को पूरे हरियाणा में फैलाया जाएगा। तो आज सरकार कह रही है कि आज हल हो जाएगा, टेक्निकल कमेटी की मीटिंग है, तो आपको क्या लगता है कि हो जाएगा? 100 दिन हो गए, अगर हो जाए तो अच्छा है, हम उनका स्वागत करेंगे जी। और अगर नहीं होता है तो फिर मैंने भी बता दिया है कि 16 तारीख को मैं भी वहाँ बैठूंगा आगे। आप भी चढ़ेंगे ऊपर? बिल्कुल चढ़ेंगे। कल किसानों ने हिसार में ही पूरी तरह से जाम कर दिया, दोपहर बाद है किसानों के खातों में पैसे। भाई ऐसे ही मानती है जी। अब जो पीपली में सूरजमुखी बेचने का आंदोलन था शाहबाद में, वहाँ पे हमें जम के लाठियाँ भांजी और आखिरकार फिर 12 तारीख को फिर रोड के ऊपर आए और हजारों लोगों को जो है तपस्या 31-32 घंटे रोड के ऊपर करवाई और फिर जाके मारने। टाइम पे मान जाए तो अच्छा है। आपने कहा मंच से कि जो बीजेपी के जो नेता हैं वो गांव में आए, आपका विधायक गांव में आओ तो उसको जूतों से पिटो। देखो, या तो यहाँ वो आ जाएं जी। इनका फर्ज नहीं बनता आंदोलन करना, आंदोलन करना उस विधायक का फर्ज बनता है जिसकी जो इनकी वोट लेके गया है। वो बना किस लिए है? वो क्या ये मुद्दे का मुद्दे नहीं है जनता के? और अगर वो नहीं इनके बीच में आता तो फिर उसको गाँवों में बिल्कुल नहीं घुसने देना चाहिए। हरियाणा में हिंसा हुई, उसको आप किस नज़र से देखते हैं, जिस तरह से कई दिन तक इंटरनेट अभी बंद और रहा? अभी और हो सकती है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का ग्राफ डाउन जा रहा है और बीजेपी अपने ग्राफ को बचाने के लिए दूसरा तरीका नहीं है। यहाँ हमारे लोग बहुत सी जाति और बहुत से धर्मों का देश है, ये वैसे तो देखा जाए तो एक गुलदस्ता है जिसमें सभी तरह के फूल हैं, लेकिन उनको ये जहरीले जो लोग हैं उनमें जहर भर देते हैं, दंगे कराते हैं और उसी का नतीजा है मेवात के दंगे। एक आदमी कह रहा है तुम्हारा दामाद आ रहा है स्वागत करना, अब उन्होंने कर दिया, फिर कहते हैं क्यों स्वागत किया। तो और बहादुर इतने से हैं वो पिट के ना 4 जूते खा के फिर रो रहा है। अरे भाई तू इतना बहादुर था तो बकवास क्यों करता है फिर लोगों को मरवाने के लिए? तो ये जो है ये कुछ दंगाई लोग हैं, ना हिंदुओं का मुसलमानों से झगड़ा है ना मुसलमानों का हिंदुओं से झगड़ा है। साहब, आपकी डीसी सिरसा से बात हुई इस मामले को लेकर के? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, जो यहाँ की कमेटी है उसको ही हमने पावर दी हुई है कि वो जो करेगी सो फाइनल है और आदेश उनके रहेंगे, हम तो उनके सहायक रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक किसानों की बात जाए। बहुत बहुत